Hare
فلم يشهدوا كيتنا قرنا شكنا في دول عاشين سربتوا بمنتم فاشعبي قاندوا مريكشن سمنتا بيتكان لك جودي مكرمين وما كرم وَمَاسْيَ مِشْوَاسْيَ بَرَمْ لِلْعَالَمْ وَمَاسْيَ يَشَاشْ وَفَدَرْ بَدُوْتَ سَنَاكَ نَسْوَمْ قُرْهُ مَتُوْمِي أَنَا بِمَدْحَانْ جَمَنَنْ شفي سوريا ليتنا أشعامي بامديك هدى شبطن سوبي لزاوي سوبي لن أغنطن جاوك بديو جيب من كرمي بيابتن ويكي نبي شسك سروا إشتاك بوطنبوك ومبيان كبيرا نوكت كيانك جريكم مراتما عميق وانسور شمراء زنبي شجانك
गीता जी का पाठ 14वां अध्याय श्लोक संख्या 10 से 18 तक। वसुदेव सुतं देवं कंस गारुडमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु समस्ताभिभूय सर्वं भव विभारत सर्वं तमस्तैव तमः सर्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेषु प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा वेद्यानिवृद्धं सत्त्वमेत्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमस्त्रिया जगस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ
प्रकाशो प्रवृत्तिस्तमालो मोहैव तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहवे तदुत्तमविवाङ्गोकानमनां प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संविशु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयो निशु जायते कर्मणः सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःख न ज्ञानं तमस फलम् सत्त्वा सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभैव च प्रमादमोहो तमसो भवतु ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थामध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्थाधु गच्छन्ति तामसा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थामध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्थाधु गच्छन्ति तामसा वसुदेवसुतं देवम् कंसचारूरमार्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण हरे शरण
यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27/1/94 को प्रातः 5 बजे रामेश्वरम धाम में दिया गया। राम 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 परमम बचा। इसमें संपूर्ण से गोपनीय बात भगवान ने बताई है। भगवद गीता में गुह्या गुह्यतर गुह्यतम रहस्य ऐसे शब्द आए हैं। सर्व गुह्यतम एक बार आई सबसे अत्यंत गोपनीय है और साथ में भूया कहा है तो पहले भी ये बात कही है। 9 में कही है, 10वां में कही है, परंतु सर्व हुई तो शब्द यहाँ दिया है। वहाँ पहले दुंतुते गुह्यत मम प्रवक्ष्यामि रांत मन मन मद भक्तो मध्यादि माम नमस्कार और फिर भूयेम शुणु मई परमम बच उष्ण मत चित्ता मद्वत प्राण बोधयंता परमेश। यहाँ भी मत चित्ता सर्वतम भव पहले कहा है, फिर कहते सर्व गुह्य तमाम भूय शुणे परम विश्व मन मना भव मद भक्तो मध्यादि तो सर्वधर्मान परिचर्य माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये खास श्लोक है। तो सर्वधर्मान परिचर्य माम एकम शरणम ब्रज। अर्जुन के संदेह था पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, आपसे मैं पूछता हूँ। तो धर्म का निर्णय नहीं कर सकता हूँ मैं, युद्ध करना ठीक है न करना ठीक है, युद्ध करना विजय होगी पराजय होगी उसको पता नहीं है। ऐसे भगवान ने पूछा तो बहुत सी बातें कही। अब कहते सर्वधर्मान परिचर्य माम एकम शरणम ब्रज, तो सब धर्मों का त्याग करने की बात कही। उसमें अगर स्वरूप से त्याग कहते भगवान तो अर्जुन त्याग कर देते। धर्म क्या है? स्वधर्म विचावेक्षण निकुंभ तुम्हारे स्वधर्म क्या है? शौर्यम तेजो धृतेर दाक्ष्यम शुद्धि चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भाव से क्षात्र कर्म स्वभावजम। ये स्वकीय धर्म है। युद्ध करना तो अर्जुन ने युद्ध किया है, युद्ध किया इसे मालूम होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ स्वरूप से धर्मों के त्याग की बात भगवान नहीं कह रहे। भगवान कह रहे आश्रय का त्याग करना, धर्मों का आश्रय नहीं। धर्मों का आश्रय लेने क्या होता है? तो आया है 9वें अध्याय में एवं त्रयी धर्म मनोप्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। धर्म के जो शरण होते हैं तो वे गतागतम को प्राप्त होते हैं। तो धर्म मनोप्रपन्ना है। यहाँ पर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अनुपपत्ति या भगवान के शरणागति है। तो धर्म का आश्रय नहीं लेना है। आश्रय जो है लोगों के धन का आश्रय होता है, वर्ण का आश्रय होता है, आश्रम का आश्रय होता है, विद्या का आश्रय होता है, राज्य संपत्ति वैभव का आश्रय होता है, अपनी योग्यता का बुद्धिमानी का आश्रय होता है, ऐसे अनेक आश्रय है। उन सब आश्रयों का त्याग करो। आश्रय किसका? माम एकम शरणम ब्रज अनन्य शरण हो जाता है। एक माम कोई पार्षद दश नहीं है, एकम का तात्पर्य अनन्य और आकाश है नहीं, अनन्य शरण की बात कहते हैं।
अनन्यचेता सततम योमां स्मरति नित्यश तस्याहं स्वर्गः। आठ के चौदवे में, आठवें अध्याय के चौदवे में कहा, अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। तीन बात बताई, अनन्य चेता सततम नित्यश, भगवान के स्मरण करने में अनन्य चेता होना चाहिए, जैसे माम एकम शरणम मुझे, अन्य का आश्रय नहीं है, एक आश्रु एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। जैसे चातक होता है वो जमीन का जल नहीं पीता है, गंगा जल ही हो वो वर्षा जल ही पीता है, ऐसी एक प्रसिद्धि है। तो माम एकम शरण मुझे अनन्य चेता का अर्थ है अन्य की तरफ चित्त नहीं है। रामायण में भी आया है कि एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की, वो प्यारा है जिसकी दूसरे की गति नहीं है, दूसरे का आश्रय नहीं है, वो भगवान को प्यारा लगता है। तो दूसरे का आश्रय नहीं, उस वो ही तात्पर्य है माम एकम शरणम ब्रज का, भगवान का ही शरण आश्रय, केवल भगवान के आश्रय हूँ मैं। जैसे पतिव्रता एक धनी हो, पतिव्रत होता है व्रत के आश्रय एक का ही है, वहाँ आश्रय दूसरे का नहीं है, सेवा सबकी करना है, सुख सबको पहुँचाना है, यथा योग्य सबका आदर करना है, सत्कार करना है, सेवा करना है, पर शरण एक की है, ऐसे माम एक और शरणम ब्रज। अहम का सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुच, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो चिंता पाप मेवा श्रेय दसमान अत्यार आत्ता, इन आत्तायों को मानने से पाप लगेगा। तो भगवान कहते सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो सब पापों से मुक्त भगवान कहते हैं कि भगवान के अनन्य शरण हो गया, केवल आश्रय एक ही, और का आश्रय नहीं। तो एक बात तो खास ये है, अपने मन में एक ही भगवान का आश्रय, एक और किसी का आश्रय नहीं, अनन्य चेता। दूसरा है सततम, तो सततम का अर्थ क्या है, कि जिस दिन शरण लिया और भगवान के हम हो गए, उस दिन से मृत्यु तक सदा के लिए सततम सतत भगवान का स्मरण करना। तो सततम का मानो फिर तक ये मन ने इतना स्मरण किया, इतना भजन किया, फिर ये दूसरी बात हो जाए, कुछ विश्राम हो जाए, ऐसा नहीं। अनन्य चेता सततम, और सततम के लिए पता लगे उसे मृत्यु तक, और नित्य का अर्थ है जागृत से लेकर के सुषुप्ति तक, रोजाना हर हमेश, कोई दिन खाली न जाए और कोई वास्तव में दिन घंटा भी खाली न जाए, नित्य निरंतर, नित्य भी हो और निरंतर भी हो। तो अनन्य चेता करके तो स्वयं का विचार हुआ, और सततम करके उम्र भर का हुआ, नित्य श्रद्धा दिन भर का। ऐसे जो माम स्मृति मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, मेरी प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो जाती है। तो वो स्मरण क्या है, वास्तव में स्मरण है जो दो तरह का होता है, एक क्रियात्मक स्मरण होता है, एक संबंधात्मक होता है, एक ज्ञानात्मक भी होता है, तीनों स्मरण करो। तो संबंधात्मक स्मरण है वो अटल होता है, अखंड होता है, शरण ले लिया भगवान का तो ले लिया, तो ले ही लिया बस। पति बता रहे पति के पासा स्यो साहिब के जिगर है दासा, जैसे पतिव्रता होती है
वो एक आश्रय एक बल ले लिया। उम्र भर वही है, जीवे तो वही है, मरे तो भी वही है। अब अपने जीवे तो वही है, अपने मर जा तो वही है। अब वो स्त्री ऐसा तो ऐसा शरण ले लिया भगवान का, हम भगवान के हैं तो भगवान के हम हो गए। उससे भी विलक्षण है, पतिव्रता से भी विलक्षण है। पतिव्रता का भी ऐसा है कि जो वास्तव में पतिव्रता होती है, किसी जन्म में जावे वही पति मिलता है, परंतु तो फिर भी याद नहीं है। और यहाँ भी याद नहीं है, परंतु ये बात है कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। गीता कह रही है मेरा ही अंश है, रामायण कह रही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुबराशी। ईश्वर अंश है, तो जिसका अंश है वो पहले से है, कोई नया संबंध नहीं है। भगवान के साथ संबंध हमारा स्वतः सिद्ध है। तो उस भगवान के चरणों के शरण होना, तो ये शरण होना को नई बात नहीं है। अर्जुन से पूछा तुमने गीता सुना मोह नष्ट हुआ, तो अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह नष्ट के बाद क्या स्मृति लगता, स्मृति मिल गई और याद आ गई, याद भी मैं तो आपका हूँ, ये पता लग गया कि मैं तो आपका ही हूँ, पहले से सदा से ही आपका ही हूँ। तो ये नया काम नहीं है। स्मृति और लब्धा, स्मृति मानो याद और आगे लद गई, मानो ये खोई हुई चीज थी, मानो विस्मृति हुई थी, भूल गए थे, याद नहीं थी। तो स्मृति लब्धा, ये भगवान की स्मृति लाद गई। अब क्या करोगा, वो जितने संदेह हो गया करीशे वचनम तव, आप जो कहोगे सो ही करूँगा, मैं तो आप गई हूँ। जिधर चलाओ, जब भगवान के शरण हो जाए फिर हमारे को बोलने की कहीं भी जगह नहीं है। हम करेंगे कि नहीं करेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कुछ नहीं। अब शरण हो गए, अब उनकी चीज है जैसे वो चलावे, जैसी मर्जी हो जैसे वो करवावे, अपने कोई दखल नहीं। किंचित मात्र भी कोई हमारा नियम नहीं, हमारे कोई इच्छा नहीं, आज्ञा नहीं, विचार नहीं, कोई विचार नहीं, केवल भगवान के शरण। तो ऐसे अनन्य चेता सतम नित्य सर, तो स्मरण वो हुआ संबंधात्मक शरण, मानो भगवान का हम है। ये संबंध कभी टूट ही नहीं सकता, ये बिना याद किए याद रहता है। याद करना ये क्रियात्मक शरण है, क्रियात्मक स्मरण है। याद करो, चिंतन करो, ये है क्रियात्मक, करना होता है। और ये संबंधात्मक शरण है, ये करना नहीं पड़ता है। जैसे कोई गोद चला जाए तो उसको याद नहीं करना पड़ता बार बार, मैं अमुक के गोद हूँ, अमुक का पुत्र हूँ। जैसे साधु हो जाए तो साधु होने पर याद नहीं करना पड़ता कि मैं साधु हूँ। एक माला ही नहीं जपी, एक माला भी साधु हो साधु नहीं गया, परंतु निरंतर याद है कि मैं साधु, मैं ग्रस्त हूँ ही नहीं। मेरा घर के साथ, रुपयों के साथ, पदार्थों के साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है, मैं तो साधु हो गया। तो वो साधु हो गया अपना, तो वो निरंतर हो गया। तो ये अहंता का परिवर्तन है। अहंता की तीन चीजें होती है, अहंता को मिटा देना और अहंता को बदल देना और अहंता को शुद्ध कर देना। तो कर्मयोग से अहंता शुद्ध होती है और ज्ञान योग से अहंता मिटती है और भक्ति योग से अहंता बदलती है। अहंता मैं पर था, वो भगवान के साथ हो गया, बस अब अहंता पड़ी रही नहीं, ये अहंता को बदल दिया, बस भगवान जो हो गए। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा कभी भूल कभी भाव न मिटे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं,
कभी भूल के भी ये भाव न मिटे, भगवान का हो गया। ब्याह होने वाला लड़का लड़की कोई भी भूलता नहीं, चाहे स्त्री रहे न रहे, पास में हो न हो, मेरा ब्याह हो गया। ये याद करना नहीं पड़ता, माला जपनी नहीं पड़ती, परंतु अटल रहता है। नींद में जगा कर पूछो ब्याह हो गया, हाँ मेरा ब्याह हो गया, कब हुआ ये सोचना पड़ेगा, ब्याह हो गया ये बात अटल है, साधु हो गया ये अटल है, बोध हो गया ये अटल है, ऐसे भगवान का हो गया ये अटल है। इसी को शास्त्र में दीक्षा कहते हैं। ये जो गुरु बनाने की बात है, गुरु बनाना तो गुरु क्या होता है, गुरु वास्तव में अहंता का परिवर्तन करने वाला होता है। गुरु आज नेकसार को गुरु मानते हैं, भाई कंठी दे दी, प्रसाद दे दिया, कान फूंक दिया, कह दिया गुरु बन गया। तो ये बनना है, ये नकली चीज है, ये असली चीज नहीं है। असली चीज वो है कि जो अहंता बदल गई। मैं गुरु को तो गुरु क्या करता है, गुरु अपने शरण नहीं लेता है, गुरु कहता है कि तुम भगवान के हो गए। तो संत महात्मा पुरुष है, उन पर विश्वास होता है कि भी महाराज ने कह दिया, अब मैं भगवान का हो गया। क्योंकि महाराज की बात भगवान भी टाल नहीं सकते, भगवान को भी वो बात माननी पड़ेगी, और मैंने स्वीकार कर ही लिया। तो वो दीक्षा लेना वो है जो भगवान के शरण हो गए, विश्वास से भगवान क्यों हो गए, बस ये खास दीक्षा है, मैं भगवान का हूँ ये। तो संत महात्मा ने कह दिया, उसने स्वीकार कर लिया। इसमें विकल्प नहीं होता, कोई संदेह नहीं होता, कोई शंका नहीं होती, इसमें कोई परीक्षा नहीं करना होता कि भगवान का हुआ कि नहीं हुआ, ये कुछ नहीं होता, वो तो हो गया है ही भगवान का। तो ये अहंता का परिवर्तन कर देना है, गुरु नाम इसी का है। वो अपने भाव से भगवान को मान लिया, तो भगवान के हो गए, गुरु के हो गए, तो वो अटल है, वो शिष्य के अधीन है। गुरु धर्म होता है, ये शिष्य का होता है। गुरु का तो उनको आश्वासन देना है, गुरु यो हितोपदेष्टा, उसके हित का उपदेश दे, उसका कल्याण की बात बतावे, वही गुरु है। शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एव, शिष्य वो है गुरु का भक्त है, गुरु का ही भक्त। भगवान ने कह दिया, उसके अनुसार बढ़ गया अपना जीवन, मैं अब एका हूँ, कह दिया निकल में हो गया, निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है, ये चार बातें हो जाती है उसमें। भय मिट जाता है और शंका नहीं रहती और संदेह नहीं रहता, अनन्य भाव से तो निर्भय निशंक और शोक नहीं रहता, शोक निश्चिंत हो जाता। मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे पास, केवल उसका हो जाता है। तो वो हो जाना है, ये शरणागति है, मैं भगवान का हूँ। ऐसे अहंता के बदलने से समर्थ गुरु होते हैं, उनकी शक्ति आ जाती है, उसमें वो काम हो जाता है। तो इसमें ये ऊपर के नेकचार होते हैं, जो कान में मंत्र देना, प्रसाद देना, कट्टी देना, ये जैसे भगवान श्री राम वनवास में पधारे, तो पहले दिन वहाँ विश्राम किया, दूसरे दिन सिंहवीरपुर में वहाँ रहे। तो उस रात्रि में निषाद राज को लक्ष्मण जी से बातें करते रहे, वहाँ पहरा लगा दिया, सबने राजा था, उसने सब जगह पहरा लगा दिया, भगवान के वो पत्ते फूल बिछा दिए, उसमें भगवान फोड़ गए, सीता जी भी सो गई, ये सो गए। वो थोड़ी दूर जा करके बैठ गया, पैर में बैठे, लक्ष्मण जी तो पैर में रहते ही हरदम सेवा में रहते ही थे। निषाद राज बैठ गया, तो निषाद राज से उनकी बातें हुई,
निषाद राज ने कहा देखो एक है नंदनी कुटिल मती मंद मती कठिन 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 पन की सुख अवसर ही रघुमती दुख दिए दुख दिया। तो वो भगवान लक्ष्मण जी महाराज ने कहा दुख नहीं भगवान के सुख दुख नहीं है वो क्या दुख दे रहे वो लक्ष्मण गीता है वो रामायण में तो लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया वो उसको बातें बताई ये बातें बताने पर उसने उसको धारण किया धारण किया तो कितना परिवर्तन हुआ कि जब भरती महाराज चित्रकूट जाने लगे तो निषाद राज गुप आया उसने रानियों को जो कौशल्यादी माताएं थी शिविका में बैठी उनको दंडवत की नमस्कार किया तो माताओं ने आशीर्वाद दिया लक्ष्मण जान करके लक्ष्मण के सहित लक्ष्मण की याद आ गई। प्रजा के जितने धन थे सबसे मिलते हैं तो लक्ष्मण की तरह देखते हैं गुरु जी वशिष्ठ जी भी लक्ष्मण जी की तरह देखते हैं तो वह लखन की याद आ जाती है तो लखनलाल जी का उपदेश मिलने से निषाद राज लक्ष्मण बन गया। जैसे विद्वान पढ़ाता है तो पढ़ने वाले में विद्या अवतार ले लेती है गुरु का अवतार हो जाता है अवतरण हो जाता है तो शिष्य गुरु के समान ही बन जाता है विद्वान बन जाता है। ऐसे ये दीक्षा होने पर ये विचार होने पर उसका रूप वही हो जाता है वैसा ही बन जाता है। तो ये स्वयं स्वीकार कर ले तो ऐसा हो जाता है जैसे एक लब्ध भील था उसने जाकर द्रोणाचार्य से कहा कि मेरे को भी बाण विद्या सिखाओ मैं भी शस्त्र सीखना चाहता हूँ तो ये कहते हैं कि मैं निषाद को नहीं बताता भील हो तुम भील हो हम विद्या नहीं सिखाएंगे। वो कहते हैं कि आप कैसे मैं सीख लूंगा मैं शिष्य बन गया मैं चेला नहीं बना था वो बन गया जो इतना तेज हो गया अर्जुन से भी तेज सिखाया नहीं मुट्ठी मिट्टी की मूर्ति बनाकर सीख गया। तो ऐसे अनन्य भाव से हो जाने पर उसमें वो चीज उतर जाती है तो महाराज द्रोणाचार्य की विद्या उसमें उतर आई सब आ गई। जैसे ज्ञान उतर जाता है उसकी भक्ति उतर जाती है उसकी योग्यता आ जाती है और उनकी चाल देख लोगों को उसकी याद आ जाती है लक्ष्मी जी को देखते हैं साधु देखते लक्ष्मी जी की याद आती है इस तरह भगवान के शरण हो जाए तो शरणागत को देखने पर लोगों को भगवान की याद आने लगेगी भगवान की बात याद आने लगती है इस तरह से शरण हो जाना तो सार बात है भगवान के शरण होना। खास गीता का वेदों का उपनिषद सार है उपनिषदों का सार गीता है गीता का सार शरणागति है। तो भगवान के शरण हो जाए आनंद भाव से निश्चिंत निर्भय निश्चोक निश्चोक शरण हो जाना ये बात खास है। नारायण 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 नारायण।